दोस्तों, जय श्री राम। मैं सोमनाथ राय आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल फिट वायरस पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने नकल को कंडीशन कैसे करें। नकल कंडीशनिंग देख सकते हैं आप मेरे नकल्स पे कैसे इस तरह मतलब थोड़ा हार्ड हार्ड हो जाता है, जिससे आप अगर कहीं पे आपको कभी आपको सेल्फ डिफेंस करें तो आपको चोट ना लगे। ठीक है, इसका कोई गलत, हम लोग किसी गलत चीज़ को फाइटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बिगिनर का कैसे करते हैं, फिर आपको बताऊँगा इंटरमीडिएट कैसे करेंगे। और उसको एडवांस में जाने के लिए आपको आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब मेरे चैनल्स पे 5000 सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे तब मैं एडवांस का डालूंगा इसमें आप अपने नकल को कैसे कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नी पुशअप्स। नी पुशअप्स में और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ पुशअप्स अपने दो फिंगर से ही मारना है, क्योंकि जब हम लोग अपना हाथ को जब फिस्ट बनाते हैं इसको तो ये ऐसे बनता है, तो जो मेन दो नकल रहते हैं ये रहते हैं, तो आपको हमेशा पहले इस पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको अपना नकल को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखोगे तो मेन नकल मिस हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसे रखना है, हमेशा ऐसे रखना है आपको नकल को। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नी पुशअप से। ये बिगिनर्स का स्टार्टिंग होगा, आपको इन्हें रोज 10 नी पुशअप करने हैं सही से। पुशअप फॉर्म, नी डाउन डाउन। ठीक है, जब आप लोग इसका 10 रोज कर सकते हैं देन आप आ जाइएगा इसके नॉर्मल पुशअप्स पे, क्योंकि ये और जब आप इसके 20 पुशअप्स मार लेंगे इसमें नी पुशअप में, तब आपको थोड़ा सा ट्राई करना है लाइक जंप करने का, लेकिन आप 20 तक जाएंगे इससे पहले आपको इसमें आप डायरेक्ट कंक्रीट पे मत करिएगा। आप पहले जाके कहीं स्टेडियम पे, पार्क पे, घास पे या मिट्टी पे करिएगा, तो आपको थोड़ा सा कम आसानी मिलेगा आपको इस पर। ठीक है, तो जब 20 पुशअप्स कर लीजिएगा कंक्रीट, मतलब पहले तो आपको घास पे ही करना है, ठीक है, या मिट्टी पे कहीं पे करिएगा। जब 20 पुशअप्स कर लीजिएगा तब आप आइएगा हल्का हल्का जंप। तो जब आप नॉर्मली 20 पुशअप्स कर लीजिएगा इन ए रो, तो उसके बाद आपको जाना है हल्का हल्का जंप पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा नकल पुशअप्स करके पूरा डायरेक्ट आपको जंप करना है, लाइक ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्ट जंप नहीं करना, हल्का हल्का जंप करना है, बस इतना इतना तक आपको जंप करना है। ठीक है, इस पर आपको ज़्यादा नहीं 5-5 रैप्स करने हैं, आपको ज़्यादा नहीं 5-5 रैप्स, 5-5 के 6-7 रैप्स करने हैं आपको, 6-7 सेट करने हैं 5-5 रैप्स के बस। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेवल पे, जो कि आता है इंटरमीडिएट। हम लोग आते हैं इंटरमीडिएट स्टेज पे। इंटरमीडिएट स्टेज पे क्या होता है ना, आपको एक मतलब आप नीचे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिगिनर को आपको कंक्रीट पे नहीं करना है। मेरे घर के आसपास कहीं मतलब ऐसा जगह नहीं है घास का जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, इसलिए मैं आपको अपनी छत पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरा कंक्रीट है, आपको यहाँ पे भी नहीं करना है कंक्रीट पे, वरना आप अपने नकल को डैमेज कर देंगे और आपसे मतलब बिगिनर लोग को होगा भी नहीं। तो जब इंटरमीडिएट आ जाएंगे तो आपको पहले तो स्टार्ट करना है कॉन्क्रीट से कर सकते हैं, आपको अगर घर में ऐसा कॉन्क्रीट है, और अगर नहीं है तो आप कहीं से ईटा दो ले आ सकते हैं ब्रिक, उसके ऊपर रख के नॉर्मली पुशअप। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इंटरमीडिएट का पहला स्टेज। इसके बाद आपको जाना है ईटे पे रह के जंपिंग, हल्का हल्का जंपिंग, हल्का हल्का। ठीक है, अगर आप अपना हाथ जितना स्ट्रेट रख के जंप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। अब हम लोग एक स्टेज और बढ़ाते हैं। अब हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट के आखिरी स्टेज पे। इसमें आपको क्या करना है, मैं ये बालू घर साइड से लेके आया था, इसको हम लोग ईटे के ऊपर हल्का हल्का बालू छीट देना है, पूरा बालू गदाना नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा छीट के यहाँ पर प्लेन कर देना है, ये छोटे छोटे बालू के दाने इस पर बिखर जाए। ईट तो ऐसे ही मतलब कॉन्क्रीट ही होती है, मतलब कॉन्क्रीट बोलता हूँ, उबड़ खाबड़ ही होती है, पर इसमें बालू के थोड़े छींटे पड़ जाने से आपके नकल्स में चुभेंगे और आपके नकल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, बट मैं बोल दे रहा हूँ गाइस, ये बिल्कुल भी पेनलेस नहीं होने वाला है, इसको आपको स्टार्टिंग के कुछ दिन कुछ महीने बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है आपको, सो यू हैव टू डील विथ इट।
आपको इस तरह लगाना है। पहले पहले आप ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे, तो पहले पहले आपको ज़्यादा नहीं 5-6-7 ऐसे लगाना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा इस पर लगाने का। तो गाइस इंटरमीडिएट के लिए इतना ही सही है, अगर आपको एडवांस लेवल का और जानना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, सॉरी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को बताऊंगा आपको एडवांस लेवल का नकल कंडीशनिंग कैसे करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, जय हिंद, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।